तो दोस्तों इधर देख सकते हैं हम लोग का मछली लग रहा है कि फ्राई हो चुका है, इधर देख सकते हैं ये गोल गोल। हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ बनाने वाले हैं, क्या जी कुछ बनाने में क्या बना रहे हो आप, वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बताते हैं। और थोड़ा सा बताते हैं कि आज हम गए थे मार्केट, तो मार्केट गए थे तो देखे बहुत अच्छा वहाँ पर हम लोग का मछली, झींगा मछली। हम लोग का झारखण्ड में झींगा, झारखण्ड में तो हम लोग झींगा नहीं उसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, हमको क्या पता, हम तो झींगा मछली जानते हैं। झींगा मछली बोलते हैं उसको, तो बहुत कोई दूसरा नाम से जानता है लेकिन हम लोग बचपन से ही झींगा मछली सुने हैं। तो वही आज हम लोग बनाने वाले हैं, और बहुत दिन क्या सालों बाद आज हम लोग बनाने वाले हैं। अचानक खाने का मन किया तो सोचे चलो आज बच्चा लोग को खिलाए, थोड़ा सा इसलिए उसको नहीं लाते है कि थोड़ा महंगा है, 600-700 रुपया किलो है, तो हम लोग इसीलिए सोचे कि नहीं डेली खाना उतना महंगा तो नहीं। और इसमें काफी गर्मी रहता है, ये मछली है झींगा उसमें काफी गर्मी रहता है, इसलिए ठंडा में लोग ज्यादा खाता है। तो हम भी सोचे कि थोड़ा सा बाबू सबको भी ठंडा उंडा लगा है तो देखते हैं झींगा मछली खिला के ठंडा दूर करता है कि नहीं, यार हमको भी सर्दी खांसी करते रहता है, खांसी है ना। और सोनी का भी देखिए, वैसे आवाज भी मेरा साफ नहीं है। और दूसरा दोस्तों ये माइक आज लगा के हम लोग बात कर, देखिए इधर सोनी भी लगाई है और इधर हम भी लगाए हैं, और ये माइक को हम लोग को मिला है गिफ्ट में, और वो गिफ्ट कौन दिए हैं, मेरा भांजा वो है अमित, और उसका एक चैनल है उसका नाम है राज मंत्रा। तो दोस्तों उसको भी आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए जैसे हमको दिए हैं, वो अभी न्यू स्टार्टिंग किए हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा है मेरा भांजा, कभी देखिएगा उनका वीडियो तो आप लोग को अच्छा ही लगेगा। और दोस्तों चलिए हम लोग अभी भी बनाने शुरू करते हैं, और आज हम लोग ना ये माइक यूज कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग बताइएगा कि आप लोग का मतलब सुनने में कैसा आया इसको, मतलब इसका आवाज ना जी, और अच्छा अगर आया है तो फिर आप लोग भी ले लीजिएगा, कहे कि ब्लॉगिंग करने में तो सबसे अच्छा होता है माइक और कैमरा ही दो चाहिए, जो अभी हम लोग के पास है। अब देखते हैं कितना अच्छा इसका साउंड आता है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि साउंड इसका कैसा है। तो चलिए हम लोग अभी अपना रेसिपी चालू करते हैं, और इधर हम बनवा के लाए हैं उसको, आप देख सकते हैं साफ करवा लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी अच्छा एकदम इसका छिलका उलका निकाल दिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं है ना, सिर्फ इसको हल्का सा हम लोग को धोना है, और एक का छिलका नहीं उठाए है, देखिए निकाले नहीं है, ये पूरा है इसका मोच, देखिए दोस्तों क्या मोच है, ये तो पूरा एकदम मोच हो तो इसके जैसा, नहीं तो ना हो मेरे जैसा, इस टाइप लग रहा है ना, देखिए कितना बड़ा मोच। हमको तो पता भी नहीं है इसको कैसे साफ किया जाता है, इसको हम देख के आए हैं, इसको ऐसे पकड़ी और इसका ए रहा इसका छिलका, लेकिन ए ठीक है शायद हमसे अच्छा नहीं निकल रहा है, ये रहा मेरा इसका आज हम छिलका निकाल दे रहे हैं, बाकी सारा साफ किया हुआ है, बाकी साफ किया हुआ है, हम एक साफ करवा के नहीं लाए थे ताकि कैसे छिलका में दिखता है ये, तो देखने देखिए निकल गया, और इधर से भी इसका ढक्कन निकल गया दोस्तों, देख सकते हैं एकदम मस्त हो गया। और इसका जो मोच है, अब आ गया मोच उड़ाने का दिन, तो इसका मोच को ऐसे करके हम हटा दिए, देख सकते हैं छिलका इतना ही सा था बाकी बना हुआ है। चलिए दोस्तों आप धोते हैं इसको हम, और धो के वाश करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मछली को तो काफी अच्छा से बना के दी है, इसका मुंडी यहाँ से गायब की है, और हम जो बनाए इसका गायब नहीं किए हैं, कि किया है वह, ये क्या है पता नहीं, सबका साफ किया हुआ है हाँ। तो शायद आप भी निकाल लीजिए उसको, निकाल दिए, अभी इसको एक दो पानी साफ से धोना पड़ेगा, दो चार पानी अभी इसको धो लेंगे पूरा साफ से, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम लोग साफ से अपना मछली को धो लिए हैं, अभी देख सकते हैं पूरा एकदम साफ हो गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे नमक, नमक लीजिए, हम अपना नमक डाल लिए हैं, अभी हल्दी भी डाल लिए हैं,
थोड़ा सा कलर के लिए हम लोग कसूरी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाइए, हाथ से मिलाइए ना, आप ही मिलाइए ना, आप छुए हैं हम नहीं छुए, मिलाइए। इसको मिलाना हमारा 8 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों हम इनको मिलाने बोल रहे थे, नहीं मिला रहे, अब हमको मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये मछली को देखने में अजीब लगता है, अजीब लगता है, देख सकते हैं। पूरा नमक, हल्दी, लाल मिर्च ये सब हम अच्छे से मिला लिए हैं। और इधर तेल भी हम लोग का गरम हो गया है, इधर तेल भी हम पहले से चढ़ा दिए थे ताकि गरम होगा। देख सकते हैं हम डाल रहे हैं हमारा तेल में, देख लीजिए डल गया है, हम लोग का फिश डल गया है। इधर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कढ़ाई में एकदम मस्त दिख रहा है, पूरा अच्छे से फ्राई हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसको पलट दे रहे हैं इस तरह से, हल्का सा फ्राई हो गया है, इसको पलटा जाता है इसी तरह से ना। हम इधर लहसुन छील देते हैं, हाँ, इधर हम लोग फ्राई हो रहा है तब तक लहसुन भी छील लेते हैं, क्योंकि मछली का मसाला जो है वो जिसमें सरसों लहसुन ये सब तो लगता ही है, तो फटाफट से दोनों जन हम लोग छील लेते हैं, एक साथ दोनों काम हो जाएगा। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं हम लोग का मछली लग रहा है कि फ्राई हो चुका है, इधर देख सकते हैं ये गोल गोल हो गया ना घूम के, तो लंबा लंबा था, जिलेबी का शेप में है, जिलेबी जिलेबी। इधर इधर देखिए इतना सारा है, उसको और हम डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए हल्का हल्का। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं हम मसाला पीसने के लिए रेडी कर रहे हैं, इसमें लहसुन डाल दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं काला सरसों डाले हैं, अब हम लोग मिर्चा डाल रहे हैं, आप लोग को जितना तीखा खाने का हो उतना मिर्चा, काला सरसों देखिए इस टाइप से है, हाँ। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें जीरा भी डाल देते हैं, इसमें डाल लिए हैं, अब इसको हम जा रहे हैं पीसेंगे, उसके बाद आधा मसाला जो पीसा हुआ घर में रखे हैं वो डालेंगे, इतना इतना को हमको पीसना है। और ये भी इधर देख सकते हैं हो गया, शायद हो गया है, ये दोबारा जो डाले थे हम लोग ये भी सब निकाल दो, सुनिए उसको, हाँ निकाल रहे हैं। का नाम एक और याद आया जो हम लोग का लोकल भाषा में बोलते हैं चिंगड़ी, चिंगड़ी, हाँ चिंगड़ी मछली, झींगा मछली, चिंगड़ी तो इतना छोटा होता है ना, यही होता है, मतलब चिंगड़ी का छोटा मिलता है इधर हम लोग का। उसके बाद आज हम इतना बड़ा वाला खा रहे हैं, नहीं तो इतना छोटा छोटा एक जो होता है एकदम छोटा छोटा होता है वो वाला खाए थे, ऐसे ये मछली को आदमी खाता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं खाता है ना। अभी ये फ्राई हो रहा है, सो तक हम जा रहे हैं अपना मसाला रेडी कर लेते हैं, फिर ये फ्राई होगा फिर हम मसाला भूनेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा मछली इधर अच्छे से फ्राई हो चुका है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब इधर देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये मेथी डाल देते हैं थोड़ा सा, इस मेथी से मछली में टेस्ट अच्छा आता है, ये अभी देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हम प्याज भी डाल लिए हैं, अब इसको प्याज को हम लोग को थोड़ा ब्राउन करना है अच्छे से। और इधर आप लोग देख सकते हैं हम इतना सारा मसाला भी पीस के सारा कुछ मिला के इसमें रेडी कर लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग को अच्छा से ब्राउन करके कर लेना है, उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ मेरा प्याज अच्छे से लाल हो गया है, अब इसमें हम अपना मसाला जो है वो डाल देते हैं, अच्छे से चलाएंगे इसे। इसको अच्छे से सारा मसाला को मिला लेते हैं और इसको अभी थोड़ा सा लाल होने तक भूनेंगे। अब दोस्तों हमको अभी भूख भी लग रहा था तो मेरा बेटी को देख सकते हैं इधर, देखिए ये रोटी बनाई है मेरा परी, और इधर परी देखिए कितना बड़ी है, देखो परी, थैंक यू, ये बना के हमको रोटी और सब्जी दे रही है, वो भी चावल का छिलका बना के दी है, कुछ अचार अचार दी है, सब्जी दी है, और सब्जी तो इसका मम्मी बनाई थी लेकिन रोटी अभी बना के दी है, ये चावल पीस के सिर्फ हम दिए हैं, बाकी
आप सोच सकते हैं ना, ताई ने खुद से बनाई है। और अपना पापा बोले ये बोले ना कि भूख लग रहा है, भूख लग रहा था, खुद से निकाल के ला के बनाई रोटी, और खुद से अच्छा से यह सब्जी अचार रोटी सब ला के दी है ना। ये रोटी तो मान लीजिए जो भी है, लेकिन इतना छोटा बच्चा बना के दिए तो समझ सकते हैं कि रोटी में टेस्ट और बढ़ गया है। थैंक यू परी। बेटी तो बेटी होती है क्या। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर हम मसाला भी अच्छा से भून रहे हैं इन्हें लाल होने तक, तब खाने में मजा आएगा ना। हम नाश्ता नहीं किए थे इसलिए भूख लग रहा था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला कितना अच्छा से ब्राउन हो रहा है। अब इसमें हम टमाटर डाल दे रहे हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हम लोग का मसाला जो है अच्छे से भून जाएगा। अब इसको अच्छे से मिला के चला लेना है ऐसे, हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छे से लाल हो गया है, यहाँ देख लीजिए, मस्त एकदम खुशबू आ रहा है एकदम मसाला का। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ज्यादा तो नहीं, हल्का पानी डाला जाता है, इसको ज्यादा तरी नहीं करेंगे। इसको देखिए इस तरह से मिला लेते हैं पानी, इधर देख लीजिए ये रहा। अब ये जब खोलेगा तो अपना जो हमारा पेस्ट है झींगा उसको हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं और पानी अच्छे से खोल गया है। अब हम अपना जो झींगा है वो इसमें डाल देते हैं, लोग देख सकते हैं। अब इसको हल्का हल्का ऐसे मिलाते हैं। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में क्योंकि उतना ज्यादा ये नहीं रहता है ना, तुरंत खोलेगा और हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा झींगा जो मछली है वो बन के रेडी हो चुका है, एकदम लाजवाब दिख रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। और दोस्तों आप लोग को अभी हम लोग टेस्ट करके दिखाएंगे कि मछली का टेस्ट कैसा लगा है और बनाए कैसा है क्या। तो चलिए खाना निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर हम चावल निकाल चुके हैं, अब इधर हम अपना मछली है वो निकालेंगे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है खाने में, एकदम मस्त दिख रहा है, गोल गोल। हाँ अब इसको हम लोग टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है क्या। तो ये लीजिए और टेस्ट करके बताइए। ये रहा आपका खाना और ये रहा मछली। अभी टेस्ट करके ये बताएंगे कैसा बना है, फिर हम लोग भी निकाल के खाएंगे क्या। हाँ परी तो अभी तुरंत रोटी खाई है इसीलिए वो खाने नहीं चाह रही है। तो अच्छा है, मत बनाया भाई। अच्छा टेस्ट अच्छा है। तो दोस्तों हम लोग काफी दिनों बाद झींगा मछली बनाए और हम लोग कैसा बनाए हम लोग का रेसिपी आज का आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।